देखिए, अच्छा बीपीएससी का मैथ का क्वेश्चन अपना 67 भी बीपीएससी का है, तो मैं सॉल्यूशन अभी कर रहा हूँ। मेरे पास क्वेश्चन हिंदी में आया है, कुछ एकाक सवाल मुझे इंग्लिश में पता नहीं लग रहा है, वो मैं उसको तुरंत करवा देता हूँ। ठीक है, तो आइए ज़रा सा देखते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर देखिए कि 5 और 6 के बीच किस घड़ी दोनों की सुइयाँ एक साथ होगी, मतलब ओवरलैप, एक साथ होगी मतलब ओवरलैप की बात कर रहता है यहाँ पे, ओवरलैप। तो इसका एक ही फार्मूला है एंगल का, ओवरलैप का, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पे कि अब चाहे इसको याद रखो, 11/2m बराबर 30h आप प्लस माइनस एंगल कर दोगे। तो 5 से 6 के बीच में मतलब 11/2m और आप 30 रखोगे, 30 × 5 और एंगल ओवरलैप करेगा, संपाति होगा, तो मतलब 150 हो जाएगा। यानी हमारा यहाँ पे क्या होगा, यानी 300/11, यानी हमारा क्या हो जाएगा 300/11। यहाँ से काम कर लोगे, 11 से आप इसमें डिवाइड कर लोगे 300 में, 11 × 22 और बचेगा कितना 8, 11 × 77, तो मेरा मिल चुका है, ज़्यादा जाए जा रहा है 3 आ जाएगा, 77 करोगे यहाँ पर रिमाइंडर 3 होगा, मेरा हो जाएगा 5:27 पूर्णांक 3/11 पर। तो ये याद रखना, ओवरलैप कर रहा है, ओवरलैप कर मतलब वो एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला कहता है कि 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर के चाल से जा रहे एक कुत्ता को उसी डायरेक्शन में पार करता है, मतलब कोई डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में चल रहा, तो हमारा यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 140 हो जाएगा, लेकिन हमारा रेल का स्पीड दिया हुआ है 60 माइनस एक्स, कुत्ता का पता नहीं, कुत्ता का दे रखा है सर, कुत्ता का आपका मैंने दे रखा है, यानी 140 अब बराबर 60 माइनस आपका 18 और यहाँ से कर देंगे 5/18 इंटू आप करोगे टी आ जाएगा, क्लियर है। 140 इंटू तो 60 में से दिया हुआ है 60 आ जाएगा, यहाँ से 60 में से हो जाएगा 42 इंटू 5/18 आ जाएगा, यहाँ से काट दोगे 34 42, यानी 5 से काट दोगे 5 6 30, यानी टी बराबर हो जाएगा, यानी टी बराबर यहाँ से निकल जाएगा आपका 18 6 टोटल से 108 सेकेंड, यानी आपका निकल जाएगा 108, क्लियर है। यहाँ पे 140 मीटर है, ठीक है, 140 मीटर, 60 में से 18 जाएगा 42 को करेंगे 5/18, यानी कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से करोगे 34 42, यहाँ पे 34 42 3 से 10 काटोगे, 5 × 10 मतलब यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से हो चुका है कैलकुलेशन थोड़ा सा। जैसा देखो, यहाँ से देख लो, 140 हो जाएगा पर आपका 140 आ जाएगा और रिलेटिव स्पीड घट जाएगा, यानी 60 में से 18 जाएगा 42 × 5/18 इंटू आप टी कर दोगे, यानी काट दोगे 34 42 3 6 18 और 5 × 10, यानी टी बराबर तुम्हारा आ जाएगा 12 सेकेंड आंसर आ जाएगा, क्लियर होगा, टी बराबर 12 सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो। कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण का लेंथ दिया हुआ है 10 सेमी, यानी रोमबस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप पूछ रहा है। तो देखिए आसान सा है आपका दिया हुआ है, आसान सा एक सवाल है, चलिए रोमबस दिया हुआ है, रोमबस आपका मतलब रोमबस फिगर है, ये रोमबस आपका दिया हुआ है, तो रोमबस दिया हुआ है और इसका दिया हुआ डायगोनल का लेंथ दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, तो 10 है तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 12 5 12 13 हो जाएगा, 13 × 4 कर दोगे क्या होगा 52 आंसर आ जाएगा, 52 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 नंबर तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 16 नंबर कहता 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो सेलिंग प्राइस तुम्हारा 150 दिया हुआ है और यहाँ 75 हो जाएगा और यहाँ कहता 20% प्रॉफिट पर मतलब 120 हो जाएगा, यानी एक दर्जन का तुम्हारा निकल गया, यहाँ से काट दोगे 15 × 5 = 75, यानी काट दोगे 5 × 10, यानी 240 रुपया प्रति दर्जन आपका बेचेगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा 240 रुपया प्रति दर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 नंबर यहाँ पे देखो, 45 कहता है कि 70 किलोग्राम मिश्रण में बालू और सीमेंट का दिया हुआ है, बालू और सीमेंट, सैंड और सीमेंट का मिश्रण दिया हुआ है, 4:1 आपका दिया हुआ है, कहता है कि कितना बालू मिला है, बालू मिलाओगे तो क्या बचेगा, सीमेंट बराबर हो जाएगा, जो फाइनल में 6 ऑलरेडी बराबर है, यहाँ पे 70 का तुलना यहाँ से 5 से कर देंगे और कितना मिला है जो पूछ रहा है, तो कहता है कि उसमें कितना बालू और मिला जाए, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी काट दोगे 14 14 × 28 हमारा आंसर हो जाएगा, तुम्हारा क्या हो जाएगा 28 आपका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है 44 नंबर देखें, 44 नंबर कहता है 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4 और 5 6 से डिविजिबल होगा, तो 4 5 एंड लगा हुआ है तो यहाँ पे एलसीएम हो जाता है, तो 4 5 और 6 का एलसीएम ले जो लोग तो क्या देगा 60। अब कुछ नहीं करिए, यहाँ 500 में आप 60 से डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पे 100 में आप 60 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पे लगेगा 7 बार में अप्रोक्स आ जाएगा, यहाँ पे लगेगा 1 टाइम में, यानी 7-1 आंसर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है दो प्राकृत संख्या जिनका गुणनफल 2412 है, तो पहला हम यहाँ पे ऑप्शन से ही काम कर लेते हैं, बड़ा ऑप्शन सा मुझे दिख रहा है 60 और 24 36 16 52, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से इसको बना लेना है, यानी क्या हो जाएगा 2400, अगर 60 का स्क्वायर करोगे और 40 का स्क्वायर करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5200 आंसर हो जाएगा, हमारा क्या आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सवाल देखिए, कहता है कि ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम कहता है 34 क्रिकेट खेलना पसंद करता है और 26, तो आप यहाँ पे क्या करो कि 36 प्लस आप 34 कर दो, यानी कितना होगा 6 4 10 3 3 6 4 10 3 3 6 1 7 70 आ जाएगा, और वहाँ पे सॉरी 26 है ना, सॉरी मैंने गलती कर दिया, आपका दिया हुआ है, आपका यहाँ पे दिया हुआ है 36 और देखिए यहाँ पे आप कुछ नहीं करिए, टोटल को ऐड कर लीजिए आप, 34 प्लस आपका 26, 6 4 10 3 2 5 1 6 और टोटल 55 ही है, तो आप देखो कितना 5 बच्चे क्या होगा दोनों खेल खेलते होंगे, आंसर हो जाएगा यानी 60 और 55 आंसर हो जाएगा तुम्हारा। देखो आपका दिया हुआ अनिल और सुनील, अनिल और सुमन किसी काम को 12 दिन में करते हैं और अनिल इसे 20 दिनों में करता है, ठीक है, एलसीएम क्या होगा 60, तो क्या होगा 12 25 60 वित्तीय 60, आपसे पूछा है सुमन का एफिशिएंसी दो, 2 से भाग कर दो आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, तुम्हारा आंसर 30 हो जाएगा। देखिए ये बीपीसी का सारा क्वेश्चन करा दिया, एक क्वेश्चन बचा वो मुझे लैंग्वेज भी प्रॉब्लम हो रहा था, पूर्वाहन का मतलब मुझे क्लियर नहीं पता चल पा रहा कि पूर्वाहन किसको बोलते हैं, अपराहन किसको, इंग्लिश में रहता मैं उसको भी करा देता, बड़ा आसान सा तो क्वेश्चन है वो भी है, मैं उसको इंग्लिश में जैसे ही आएगा मैं तुरंत करा के इसको भेज देता हूँ, ठीक है चलिए।